हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स की आज की क्लास में हम लोग लाभ हानि पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कुल मिलाकर लगभग 6 से 9 क्वेश्चन तक हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसको पहले आप डाउनलोड करिएगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन देखकर फिर सोल्यूशन देखिएगा। हर एक बार पुराने क्वेश्चंस की तरह, जैसे मैं पहले कराता रहा हूँ आपको, कि आप पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद जब नहीं आएगा फिर आप सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम ने 10 रुपये की दर से 15 अमरूद खरीदे और 16 रुपये के 25 की दर से 16 रुपये के 25 की दर से अमरूद बेचे। यदि वह 375 अमरूद क्रय करके बेचता है तो बताइए उसे लाभ हुआ अथवा हानि। पहला क्वेश्चन है, दूसरा है लाभ हुआ तो कितना, तीसरा है हानि हुई तो कितनी, और चौथा क्वेश्चन है कुल क्रय मूल्य कितना है, पांचवा क्वेश्चन है कुल विक्रय मूल्य कितना है, और छठा है लाभ अथवा हानि परसेंटेज कितना है। ये आंसर आपको देना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने 10 रुपये की दर से 15 अमरूद खरीदे, यानी कि 15 अमरूद का मूल्य, 15 अमरूद का मूल्य कितना है, 10 रुपया है, और उसको बेच रहा है, ये क्रय है, इतने की दर से क्रय किया 15 अमरूद, 10 रुपये में 15 अमरूद खरीदा, उसके बाद 16 रुपये के 25 अमरूद बेचे, विक्रय कर रहा है किस तरह से, 25 अमरूद बेच रहा है, 25 अमरूद इसके का मूल्य बेच रहा है, ये है 25 अमरूद का मूल्य है 16 रुपये, इस रेट से बेच रहा है, और 10 रुपये का 15 अमरूद के रेट से खरीदा, 16 रुपये का 25 अमरूद के रेट से बेचा। अब आपको बताना है कि यदि वह 375 अमरूद खरीद कर क्रय करके बेचता है, कुल कितना अमरूद खरीदा, कुल खरीदा अमरूद, कुल खरीदा अमरूद ये है बराबर 375। अब बताइए 375 अमरूद अगर उसने खरीदा हुआ है, 15 अमरूद का मूल्य है 10 रुपया, तो 15 हर 15 पे 10 रुपया वो चुका रहा है, तो कुल 375 अमरूद खरीदा है, तो कितने 15 हुए, तो 375 बटा में 15, इतने 15 15 होंगे टोटल, यानी कि 10 रुपये में 15, तो 375 में कितने 15 आएंगे, तो ये हो जाएगा 15 दुना 30, 7 15 7 75, यानी कि ऐसे 15 15 कितने, 15 के कितने जोड़े बनेंगे, 27 बनेंगे, और हर 15 पे 10 रुपया लगा, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 27 गुणे 10, यानी कि 270 रुपया। फिर से समझिए कि जिस रेट से खरीद रहा है वो है 15 अमरूद 10 रुपये में, 10 रुपये में 15 अमरूद, तो कुल 375 अमरूद खरीदा है, तो 15 15 का कितना जोड़ा लगा होगा टोटल, कितने ढेर लगे होंगे 15 के, तो इसलिए हम 375 में 15 से अगर भाग कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 15 15 अमरूद के कितने ढेर हैं, कितने पार्ट हैं उसके, कितने जोड़े 15 के हुए, तो ये हो गया टोटल 27 ऐसे 15 अमरूद के ढेर, और एक ढेर का दाम है 10 रुपया, तो इसलिए कुल कितना हो जाएगा, 270 रुपया, इतना उसका खरीद मूल्य था। अब आइए 25 अमरूद 16 रुपये का बेचा, तो 375 में 25 के ढेर अगर आप लगाएं, 25 25 का अगर आप ढेर लगाएं मार्केट में बैठकर, तो कितने ढेर बनेंगे, क्योंकि हर एक ढेर का मूल्य है 16 रुपया, हर एक जितना भी एक जगह इकट्ठा कर दिया 25 25 का एक ढेर, तो हर एक ढेर का मूल्य है 16 रुपया, तो इसमें हम भाग करेंगे 25 से, तो 25 से कम 25 और 25 और 12 125, तो 25 5 125, यानी कि कुल 15 ढेर ऐसे बनेंगे, 15 25 5 125 के 5,
पच्चीस से कम 25 12 37 तो कुल 15 ढेर बने। एक ढेर का मूल्य है 16 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 16 × 15, तो ये हो गया 16 × 5 = 80 के सुनना, और 16 × 1 = 16 और 16 × 8 = 24, 240 रुपया। यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन? राम। कुल 270 रुपये का खरीदा अमरूद और कुल कितने का बेच दिया? 240 रुपये का। तो जाहिर सी बात है उसको हानि हुई है। तो पहला क्वेश्चन, अब इसमें हानि हुई है, लाभ हुआ तो हानि, तो जो पहला आंसर हो गया क्या हो गया? हानि हो गई। पहले का तो आंसर ये हो गया क्योंकि खरीद मूल्य से कम मूल्य में उसने बेचा है। और लाभ हुआ तो कितना? लाभ तो हुआ ही नहीं है, और हानि हुई तो कितनी? दूसरे का कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि लाभ हुआ ही नहीं है। तीसरा, हानि हुई तो कितनी? तो हानि हो जाएगी, हानि बराबर हम जानते हैं, अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो क्रय मूल्य कितना है? यह है 270 का और बेचे हैं 240 का, तो ये हो जाएगा 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये की इसको हानि हुई। फिर पूछ रहा है कुल क्रय मूल्य कितना है, चौथा आंसर। तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य कुल कितने की खरीदारी किया है? कुल अमरूद की, मीन्स कुल अमरूद का कितना पैसा चुकाया है? 270 रुपया। फिर पूछ रहा है पांचवा, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो कुल विक्रय मूल्य बराबर ये हो गया, देखिए 240, ये हो गया पांचवा आंसर। और लास्ट में पूछ रहा है कि लाभ अथवा हानि परसेंटेज क्या है, लास्ट का आंसर छठा। तो हानि अथवा परसेंटेज हम तो जानते ही, हानि हुआ है, तो हानि परसेंटेज मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, ऊपर होगा हानि और नीचे, हमेशा याद कर लीजिए, नीचे होता है क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हुई है कितने की? 30 रुपये की। कितने पे हानि हुई है? 270 पे गुणे 100, और ये 0 0 कटा, 3 × 9 = 27, यानी कि 1/9 गुणे 100, और इसका परसेंटेज वैल्यू आता है 11.9%, ये आंसर हो जाएगा। टेबल से आप इसको याद किए हुए मैंने लिखवाया हुआ है, 1/9 बराबर होता है 11.9%। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को हो सकता है अगर कहीं दिक्कत आई होगी तो ये इस पहले और दूसरे में शायद आपको समझ में नहीं आया हो, एक कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो इसमें समझना यही है कि देखिए जो बोला है कि राम ने 10 रुपये की दर से 15 अमरूद खरीदे, यानी कि 15 अमरूद का जो दाम है वो 10 रुपये है, ये है। तो मान लीजिए 15 अमरूद का एक ढेरी लगा दिया किसी ने, 15 15 की ढेरी लगा दिया, और कह रहा कि हर एक ढेरी 10 रुपये की है, तो 10 15 अमरूद यानी एक ढेरी 10 रुपये की। तो आप पहले यही पता कर लीजिए कि कुल कितनी ढेरी लगाई गई है, और कुल 375 अमरूद वो खरीद रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है कि कुल 375 अमरूद खरीदा है। तो अगर 15 अमरूद की आप एक ढेरी लगाकर 10 रुपये का बेच रहे हैं, तो पहले ये तो पता कर लीजिए कितनी ढेरी है। तो 375 में हम 15 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि कुल 27 ढेरी है 15 15 के अमरूदों की। तो एक ढेरी का दाम 10 रुपया, तो 15 ढेरी का, 27 ढेरी का दाम 27 × 10 यानी कि 270। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में 25 अमरूद का मूल्य है 16 रुपये, तो यानी कि 25 25 की ढेरी लगाकर बेच रहा है, एक ढेरी का दाम है 16 रुपया। तो देख लीजिए कि 375 बेचेगा भी, तो 375 में 25 की कितनी ढेरी बनेगी, हम भाग कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितनी ढेरी बनेगी, बनेगी 15। एक ढेरी का दाम 16, तो 15 ढेरी का दाम 16 × 15 यानी 240। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इट मीन्स कि हानि हुई है। हानि तो कितनी घटा दीजिए, परसेंटेज तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इस तरह से आप पहला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई करिए, एक मिनट तक के वीडियो को रोकिए, उसके बाद फिर सलूशन देखिए। इसमें कह रहा है
एक वस्तु को 390 रुपये में विक्रय करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। अब इसमें देखिए क्या क्या है, क्रय है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और लाभ है। जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। एक वस्तु को 390 रुपये में विक्रय करने पर, तो रुपए के हिसाब से 390 रुपये है। एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, लाभ है 20%। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। दो तरह से हम लोग हल करते हैं, एक पैसे वाइज हल करते हैं और दूसरा परसेंटेज वाइज। तो अगर हम परसेंटेज मेथड से करें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य को हमेशा मानिए 100% या 100 मानिए, बात एक ही है। अब अगर 100% उसका क्रय मूल्य था और 20% का अगर वो लाभ पा गया तो वस्तु को बेचा कितने का, 100 की वस्तु खरीदा 20%। अब देखिए 100 अगर मैं मानता हूँ तो 100 पे 20% 20 के बराबर होगा, 100 पे 30%, यानी कि जो परसेंटेज होगा वही वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये 100 पर 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 20 का कमा रहा है, तो 100% 20% लाभ कमाया तो परसेंटेज वाइज क्या परसेंट में बेचा, 120% में। यहां पर 120% क्या है, विक्रय मूल्य है। क्यों, क्योंकि 100 में 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120%। अब प्रश्न के हिसाब से हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 390 रुपया, और विक्रय मूल्य परसेंटेज वाइज कितना दिया है, 120%। 120% बराबर 390, तो सबसे पहला काम आप 1% निकालेंगे, याद कर लीजिए हमेशा 90%। अब जो क्वेश्चन होंगे इस तरह के, उसमें हम लोग पहले 1% निकालेंगे, उसके बाद जय परसेंट निकालना होगा हम आराम से निकाल लेंगे। तो 1% बराबर हो जाएगा 390 बटा में 120। याद कर लीजिए कि इस ये वाला संख्या पूरा जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पर 1% बन जाएगा। अब हमें कितना चाहिए, हमको चाहिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को 100% बोलते हैं, तो हमको चाहिए कितना, 100%। तो जय परसेंट चाहिए, उससे उसमें गुणा कर दीजिए, 390 बटा 120। अब इस 100 से आप गुणा कर दीजिए, ये 0 से 0 कटा, उसके बाद ये भी कटेगा, 13 3 39, 3 1 3 3 3 9 और 3 4 12। फिर 4 से काटेंगे तो 4 25 100, 25 4 100। अब यहाँ बचा 13, यहाँ बचा 12, गुणा कर लीजिए, 25 3 75 5 हासिल 7, और 25 से कम 25 7 32। इतना रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यही तो क्रय मूल्य है, ये है आपका क्रय मूल्य। तो परसेंटेज का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करिए। वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 234 रुपये में बेचने पर 17% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। फिर से वीडियो को रोकिए और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट पिछला ही क्वेश्चन पे आधारित है। तो इसमें क्या क्या दिया है, बेचने पर तो हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य, और एक हो गया विक्रय मूल्य, दूसरा हो गया लाभ, देख लेते हैं लाभ कितना कमा रहा है, लाभ परसेंटेज। वस्तु को 234 में बेचने पर, यानी कि पैसे के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हुआ, 234 रुपये, 17% का लाभ होता है, लाभ हो गया 17%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, हमको क्रय मूल्य पता ही नहीं है कितना है, तो मान लेता हूँ मैं एक्स परसेंट है या जो भी। अब हम मानेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 100% है। अगर 100% क्रय मूल्य है, ये लाभ लेगा 17% का, फिर बेचेगा, जब तक लाभ नहीं लेगा तब तक बेचेगा नहीं, या तो हानि खाएगा या तो लाभ खाएगा। तो लाभ लिया 17%, इसको बेचेगा कितने में, 100% तो खरीदा ही था और प्लस ये 17% लाभ लेगा, तो कुल मिलाकर बेचेगा 117% में। बेच दिया उसको तो
यानी कि विक्रय मूल्य हम प्रश्न से कह सकते हैं, ये सब आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं कि प्रश्न से या इससे उससे करना है आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। दिमाग आपका अगर खुल जाएगा, प्रैक्टिस आप कर ले जाते हैं, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 117% बराबर 237, विक्रय मूल्य बराबर 234 रुपया। अब विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से परसेंटेज वाइज कितना है, 117% 234, तो यहाँ से पहले पता करिए 1% की वैल्यू 234 बटा में 117, इसको आप काट देंगे 117 एकम 17 दो आएगा, 1% की वैल्यू 2 के बराबर, तो 100% बराबर कितना, 100% बस उसमें गुणा कर दीजिए, 2 × 100 यानी कि 200 रुपया, और 100% को ही हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं जी। हो गया आपका आंसर, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। तीन क्वेश्चन हो गए आपके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये तो क्वेश्चन सेम ही लग रहा है फिर भी आप ट्राई करिए। कह रहा है कि एक किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो फिर से वही लिख लेते हैं, क्रय मूल्य और लाभ यहाँ हो गया विक्रय मूल्य। तो 480 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये, 20% का लाभ होता है, लाभ है 20%, आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना हुआ, तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे कह परसेंट 100%। अगर 20% का लाभ हुआ तो परसेंटेज वाइज कितने बेचा हो, 120% में। अब ये जो 120% है यही किसके बराबर है, 480 के बराबर है, तो 1% बराबर कितना, 480 बटा 120, तो 100% बराबर कितना, और इसी को तो हम क्रय मूल्य बोलते हैं, बराबर 480 बटा में 120 गुणे 100, इसको काट दीजिए, 0 0 कटा, 12 × 4 = 48, 4 × 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400 रुपया, यानी कि 400 रुपया उसका हो गया क्रय मूल्य। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप ट्राई करिए, वीडियो को 2 से 3 मिनट के लिए रोकिए और इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये है, ए एक घड़ी बी को 30% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 20% हानि पर बेचता है, यदि सी ने इसे 520 रुपये में खरीदा तो ए ने घड़ी को कितने रुपये में खरीदा था, ये है क्वेश्चन। तो ये काफ़ी सीरीज है, चलिए देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन लेंदी होते हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तीन कितने लोग हैं, सी तीन लोग हैं। अब जहाँ से स्टार्ट करना है, जो व्यक्ति सबसे पहले बेचेगा उसको हम लोग मानेंगे कि उसके पास 100% दाम था, उसी के पास टोटल। तो ए ने बी को 30% लाभ पर बेचा, देखिए ए ने बी को बेचा कितने परसेंट पे, 30% लाभ पे। ये अप एरो का मतलब जो ए ऊपर की एरो होगी इसको बोलेंगे हम लाभ, अगर मैं डाउन करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा हानि, ध्यान रखिएगा। तो उसे हुआ  30% का लाभ, बी ने इसे सी को 20% हानि पर बेचता है, बी इसे सी को 20% हानि पर, तो ये बेचा 20% हानि पर बेचा, डाउन एरो लगा दिया मैंने, 20% हानि पर बेचा। यदि सी ने इसे 520 रुपये में खरीदा, अब जितने भी दाम में सी बी ने सी को बेचा, ये खरीदा क्रय किया, इसका क्रय मूल्य कितने का रहा, 520 रुपये का, 520 रुपये का, ठीक है। सी के लिए क्रय मूल्य हो गया, अब बी के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, समझ रहे हैं इस चीज़ को। यही बी सी को बेच रहा है तो सी के लिए तो क्रय मूल्य हुआ क्योंकि वो खरीद रहा है,
और बी इसको बेच रहा है, तो यही मूल्य जो 520 रुपया है, यही बी का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब चलिए, ए ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, ए का दाम पूछा जा रहा है। मैं ये मान लेता हूं कि ए ने घड़ी को 100% में खरीदा था, 100% या इसको 100 मान लीजिए, 100% या 100। अब अगर ये बी को बेचा है 30% लाभ पर, तो यानी कि ये कितना पाया होगा, 100 का तो खरीदा था और 30% यानी कि 30 और इसको मिल गया, तो बी को कितने में बेचा, 130 में बेचा। इस देखिए, बी को बेचा 130 में, ये रुपया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज है, परसेंटेज चल रहा है, 130% में या 130 में बेचा। मैं यहाँ 130 यूनिट ले लेता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा, ये यूनिट, यूनिट हिंदी में यूनिट हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि इतने यूनिट, 130 यूनिट में बी को बेचा, और बी बेच रहा है सी को 20% हानि पर। देखिए, कभी भी कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो बी के पास जो 130 यूनिट आया है टोटल, जो बी ने 130 यूनिट देकर खरीदा है इसे, ये अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100% होगा। हमेशा कोई भी वैल्यू, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो या 0.1 क्यों ना हो, बहुत छोटी वैल्यू क्यों ना हो, वो अपने आप में 100% होती है अपने लिए। तो अगर ये 20% हानि पर बेचा बी ने सी को, तो ये कितने में बेचा होगा, 20% अगर हानि हो गई तो 100 - 20 यानी कि कितने परसेंट में बेचा, 80% में बेचा, 20% की हानि में 80% बेचा, तो 80% किसका, 130 का, तो बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 130 यूनिट का कै परसेंट, 80%, 130 यूनिट का 80%। तो चलिए देखते हैं, 130 गुणे 80 बटा में 100, ये दो जीरो इससे कटे, 13 - 8 - 13 - 91, 13 - 8 - 104, तो 104 यूनिट में बेचा किसने को, सी को, ये इसको बेचा 104 यूनिट में, यानी कि बी ने सी के, सी को बेचा 104 यूनिट में, या ये कह सकते हैं कि सी ने खरीदा कितने में, 104 यूनिट में, और यही जो 104 यूनिट है वो किसके बराबर है, 520 रुपए के बराबर है, क्योंकि यूनिट वाइज 104 यूनिट और पैसे वाइज कितना, 520 रुपया। तो हम कह सकते हैं सी का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर है 520 रुपया, या यूनिट वाइज कह सकते हैं कि 104 यूनिट, 104 यूनिट बराबर 520 रुपया। तो एक यूनिट का दाम निकाल लीजिए पहले, तो 520 बटा में 104, इसको काटेंगे तो आएगा 5 बार में आएगा, कट जाएगा, यानी एक यूनिट का दाम कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। और हमने शुरुआत कितने यूनिट से किया था, 100 यूनिट से किया था, 100% या 100 यूनिट बात एक ही है। तो 100 यूनिट किसका दाम है, ए का तो दाम है ना, जितने में ए ने खरीदा था, तो 100 यूनिट बराबर, 100 यूनिट बोलिए या 100% बोलिए, बात एक ही है, 5 × 100 ये हो जाएगा 500 रुपये, और यही 100 यूनिट किसका दाम है, ए का क्रय मूल्य। फिर से समझिए इस चीज़ को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को परसेंटेज में भी देखने को मिलेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन परसेंटेज का भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें क्रय विक्रय की बात हुई है इसलिए लाभ हानि के टाइप में दिख रहा है, ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी आता है। ए ने बी को बेचा 30% हानि पर, मैं मान लेता हूँ कि पहले ए का दाम जो ए ने खरीदा था वो 100% था, 100% को हम 100 यूनिट मान लेते हैं, मैं बता चुका हूँ 100 का क्या फ़ायदा होता है, जय परसेंट होगा उतनी वैल्यू उसमें जुड़ जाती है। ए ने बेचा 30% लाभ पर, 100 का खरीदा था, 30 का लाभ हो गया, तो कितने में बेचा बी को, 130 में, ये तो क्लियर हुआ। अब फिर बी बेच रहा है सी को 20% हानि पर, अब 20% हानि पर बेचा यानी कितने परसेंट का बेचा होगा,
100% दाम था, 20% हानि हो गई, तो 80% पे बेचा, तो मुझे मिला 130 यूनिट। यहाँ पर बी को मिला 130 यूनिट, बी ने पे किया था, बी ने जितने में खरीदा था वो था 130 यूनिट। इसमें 20% का लाभ हुआ, यानी बचा कितना 80%, 20% का हानि हुआ, यानी बचा कितना 80%। तो बी का जो विक्रय मूल्य होगा वो 130 यूनिट का 80% होगा, क्योंकि 20% का तो हानि हो गया। तो 130 गुणे 80 बटा 100 का मैंने गुणा, यहाँ से आ जाएगा 104 यूनिट, यानी कि सी को बेचा गया कितने में, 104 यूनिट में। और पैसे वाइज सी कह रहा है कि मैंने 520 रुपये का ख़रीदा था बी से, इसका मतलब बी ए और ए एक ही चीज़ है, यानी कि सी का क्रय मूल्य बराबर 520, सी का क्रय मूल्य 104 यूनिट बराबर 520। तो एक यूनिट का दाम निकाल लीजिए, उसके बाद जय यूनिट का दाम निकालो, उतने से गुणा कर लीजिए, तो 5 रुपये आ गया। 100 यूनिट बराबर 5 गुणे 100 बराबर 500। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 604 रुपया है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य और है विक्रय मूल्य, और यहाँ पर साइकिल 25 का हानि हुआ है, तो हानि है, हानि परसेंटेज, ये तीन चीज़ें हैं। क्रय मूल्य दिया है 604 रुपया, 604 रुपया, 25% की हानि हुई, हानि है 25% डाउन हो गया। पूछ रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब फिर से हम लोग क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, 100%। 100% का क्रय किया, आवश्यकता पड़ गई, इमरजेंसी आ गई कि जल्दी से बेचो, पैसे की आवश्यकता है। 100% का खरीदा था, 25% की हानि हो गई, तो बेचा कितने में, 25 का हानि किया, तो 100 - 25 यानी बेचा कितने में, 75% में। क्लियर? तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कै परसेंट होगा, 75%। अब आइए प्रश्न के हिसाब से, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है प्रश्न के हिसाब से या किसके हिसाब से, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना है, 604 रुपया। ये क्रय मूल्य परसेंटेज वाइज कितना है, 100%, यानी 100% बराबर 604 रुपया, तो 1% बराबर कितना, 604 बटा में 100, इतना आ जाएगा। तो हमको चाहिए क्या परसेंट, 75% चाहिए, तो 75% की वैल्यू क्या, यही तो परसेंटेज की खूबी है, खासियत है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। जय परसेंट चाहिए आप, 2%, 3%, जो भी परसेंटेज हो, वहाँ 1% निकल गया तो आप उससे सीधे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 604 बटा में 100, इसमें गुणा करिए 75 से, काटेंगे तो 2500 को 100 और 25 तिहाई 75, इसको 4 से काट दीजिए तो 1500 को 60 और 4 एकम 4, 2, 4 5 20, 4 एकम 4, तो ये हो गया, इधर 151 बचा और इधर बच गया 3, तो 151 गुड़े 3 यानी कि 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 एकम 3 1 4, 453 रुपया इसका क्या था, क्रय मूल्य था। और यही तो इसका विक्रय मूल्य है, 75%, यही किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों ये रहा आज का एक क्वेश्चन। ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे, इनके करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। ये तरीका आप सीखिए, परसेंटेज के और लाभ हानि के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सेकंडों में कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।